दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी अपना आयुष्मान भारत योजना के लिस्ट में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, पहले से अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे करके आप आयुष्मान भारत योजना के लिस्ट में अपना नाम जोड़ पाएंगे और एक नया आयुष्मान भारत कार्ड बना पाएंगे। सो फ्रेंड नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुरारी गोस्वामी। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला नोटिफिकेशन को भी अलाउ करना ना। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड हम सभी को पता है कि आयुष्मान भारत योजना के लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आप आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना सकते हैं। और ये लिस्ट 2011 के जनगणना के अनुसार बनाया गया है, जहां पे गवर्नमेंट की ओर से बताया गया है कि 10 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनका इस लिस्ट के अंदर नाम है, जो कि SSC डाटा के अनुसार ये लिस्ट बनाया गया है। यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जो लोग गरीब हैं, उनके लिए आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक साल में आपको 5 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाता है। यानी कि आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना मुफ्त में किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इस कार्ड को बनाने के लिए आपके पास आपका खुद का आधार कार्ड होना चाहिए और ये आधार कार्ड के साथ ही आप अपना आयुष्मान भारत कार्ड बना पाते हैं। बट फ्रेंड काफ़ी लोगों का कमेंट आता है, सर इस लिस्ट के अंदर मेरा नाम नहीं आ रहा है, मुझे अपना कार्ड बनाना है तो फिर मैं कैसे करके बना पाऊँगा। तो आज के इस वीडियो को मैं इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि आप अपना नाम कैसे करके जोड़ पाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं फ्रेंड आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो आप अपना नाम कैसे करके ऐड कर पाएंगे। आप किसी भी ब्राउजर में जाएंगे, वहां पे आपको pmjy.gov.in लिखकर सर्च करना है। जब आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। पहले नंबर पे आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा फ्रेंड, यहां पे पहले नंबर पे है IM एलिजिबल, इसको आप चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो आपका अगर नाम है तो आप यहाँ से एलिजिबल हैं या नहीं है कार्ड बनाने के लिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया है। अगर आपको यहाँ पर अपना नाम ऐड करना है तो आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन दिखाई देगा ग्रीवेंस पोर्टल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक नया पेज यहां पे ओपन होगा। आपको कुछ देर यहां पे इंतजार करना होगा, फिर से यहां पे नया पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहां पे देखिए दो तरह का ऑप्शन यहां पे दिखाई देगा। पहले नंबर पे जो ऑप्शन आएगा रजिस्टर फॉर ग्रीवेंस, दूसरे नंबर पे ट्रैक फॉर ग्रीवेंस। तो आपको पहले नंबर पे जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर से नया एक पेज ओपन होगा। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग के सामने आएगा। यहाँ पे ग्रीवेंस फॉर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इसको आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको इंतजार कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे PMJY का जो पहला नंबर है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, फिर से रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे फिर से नया पेज आप के सामने ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे उस पेज को थोड़ा इंतजार करना है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट हमारा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले नंबर पे आपको यहाँ पे अगर कोई कंप्लेंट देना है तो आप यहाँ पे कंप्लेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको इस कार्ड रिलेटेड कोई भी क्वायरी जानना है तो आप यहाँ से क्वायरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ से इस कार्ड रिलेटेड रिक्वेस्ट देना है तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको आयुष्मान भारत योजना संबंधित कोई भी सजेशन देना है, कोई भी सुझाव देना है तो आप चौथे नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले जो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम एक रिक्वेस्ट देना चाहते हैं। तो हम रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे दूसरे नंबर पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आर यू इनमेल्ड नंबर ABPMJY। अगर आपके पास कोई भी नंबर वगैरह है, कभी आपने रजिस्टर किया है तो येस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से नो कर देंगे, नो करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद नीचे फिर से मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं, आप जिसका भी नाम ऐड करना चाहते हैं इस लिस्ट के अंदर उसका नाम आप सबसे पहले यहां पे एंटर करेंगे। फिर से आपको यहां पे मेल फीमेल जो भी है आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यहां पे आपको एक रजिस्टर मोबाइल नंबर दे देना है। यहां से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहां से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहां पे आप अपना पूरा एड्रेस फिल करेंगे। हाँ, यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो भी आप एड्रेस फिल कर रहे हैं वो सेम एड्रेस आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। जब आप
नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है। डिमांड फॉर एग्नेस्ट में आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो। फिर से आप अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। नेचुरल फॉर ग्रीवेंस यानी कि आपको ग्रीवेंस में किस कारण से आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ग्रीवेंस फॉर डिस्प्रेक्शन यहाँ पे आपको लिख देना है, एक अच्छा सा डिस्प्रेक्शन आपको बनाना है जहाँ पे आपको बताना है कि आपको आयुष्मान भारत योजना कार्ड की बहुत ही ज़रूरत है और इस लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं है, तो आप इसको यहाँ से एक अच्छा खासा डिस्प्रेक्शन तैयार करके आप यहाँ से इसको लिखेंगे। दूसरे नंबर पर आप यहाँ पर जब आएंगे तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का फोटो कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, और यहाँ पे अगर आपके पास उसके रिलेटेड कोई भी आईडी प्रूफ है दूसरा कोई एड्रेस प्रूफ के लिए तो आप यहाँ से उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको एक वीडियो बना लेना है जिस वीडियो में आपको रिक्वेस्ट करना है कि मुझे आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेना है और इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं है तो कृपया करके मेरा नाम ऐड करने का कष्ट करें। वो ये सारा डिटेल्स करने के बाद आई एम टर्म एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और नीचे यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपका पूरा रिक्वेस्ट चला जाएगा। सो फ्रेंड कुछ इस प्रकार से आप अपना PMJY यानी कि आयुष्मान भारत योजना के लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। सो फ्रेंड अगर इस वीडियो रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कॉमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी जवाब का सटीक उत्तर देने का। तो चलिए फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।